सब्सक्राइब करें फार्मा माइंड यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाई थी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए बेस्ट पाइप कौन सी है वाटर पाइपलाइन के लिए, तो उसी वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि क्या हम ट्रांसपेरेंट पाइप यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप के बारे में बताइए कैसी है यूज के लिए सारा कुछ डिटेल, तो उन बाइक के लिए ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बताता हूँ क्या ये वो पाइप बढ़िया है या नहीं। इसमें मैं आपको ए टू जेड इसकी चीज़ें बताऊंगा कि प्राइस से लेकर यूज तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पाइप भी दूसरी पाइप की तरह 20 फुट के साइज में आती है, बट दोस्तों ये पाइप अगर क्वालिटी की बात करें बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं, A1 क्वालिटी कह सकते हैं, सबसे बेस्ट, क्योंकि इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी दिक्कतें क्या हैं, दिक्कत की बात कर रहे हैं दोस्तों, दिक्कत इसमें इसमें सॉकेट नहीं बना होता, जैसे जो दूसरी हमारी काखी वाली आती है पीवीसी पाइप है उसमें क्या सॉकेट ऑलरेडी बना होता है, उसका मुंह ही इस तरह क्या होता है उसमें क्या एक दूसरी पाइप जुड़ जाती है आगे और पाइप लीकेज कभी नहीं होती उस सॉकेट में, ये 100% अगर किसी भाई के ये अगर आपने कहीं भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन देखी है तो कभी सॉकेट लीक नहीं करता ये बीजी आप देखकर। बट अगर जो ट्रांसपोर्ट पाइप है उसमें दिक्कत क्या है कि आपको एक्स्ट्रा से सॉकेट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा से एक अलग सॉकेट है क्योंकि वो पाइप शुरू से लेकर अंत तक जैसे शुरू में है वैसे ही लास्ट में उसका साइज है बिल्कुल बराबर है, तो एक दूसरे के ऊपर जुड़ती नहीं है, चढ़ती नहीं है पाइप, दूसरी नॉर्मल पाइप क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, लास्ट वाला हिस्सा बड़ा होता है और उसके अंदर चला जाता है, बट ये ट्रांसपोर्ट पाइप में ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम साइज होता है, उस वजह से उसके बीच में सॉकेट लगाना पड़ता है, बट ये सॉकेट दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, ये आपको भी पता है। अगर ये दो चीज़ एचडीपी पाइप में भी आती है सॉकेट, उनको क्या दोस्तों गर्म करके लगाना पड़ता है, गर्म करने पर दोस्तों ये पाइप बेकार हो जाती है क्योंकि उसका मुंह खराब हो जाता है, जो मुंह कहने का मतलब है जो उसका जो मुंह मतलब साइज होता है 4 इंची का, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर डालते हैं तो वो सेट नहीं बैठता, लीकेजिंग की बहुत ज़्यादा चांस आ जाते हैं, तो स्पेशली कह रहा हूँ दोस्तों। एक दिक्कत और आती है प्राइस में, प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस पाइप की प्राइस दूसरी पाइप जो पीवीसी पाइप आती है हमारी खाकी वाली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है उसके मुकाबले डेढ़ा प्राइस होता है, अगर वो पाइप 50 रुपये फुट आ रही तो ये 75 रुपये फुट आएगी, उदाहरण बता रहा हूँ, अगर वो 100 आ रही है तो ये उससे महंगी आएगी करीबन 150 रुपये फुट, तो दोस्तों ये इसका मतलब एक तो आती भी महंगी है प्लस इसमें सॉकेट भी नहीं आता, ये सिर्फ दिखावे के लिए अच्छी दिखती है ट्रांसपेरेंट पाइप। दोस्तों इसका एक यूज ऐसा हो सकता है कि जो लोग बाहर से कुछ जैसे कि मोटर के पास में बिल्कुल थोड़ी सी पाइप यूज करते हैं जहाँ पर बोर से पानी होदी के अंदर गिरता है वहाँ के लिए यूज कर सकते हैं थोड़ी सी पाइप, जिसमें क्या थोड़ा सा अच्छा दिखता है अट्रैक्टिव, बाकी इसका और कोई यूज नहीं कर सकते आप, अंडरग्राउंड के अंदर लीकेजिंग की दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें सॉकेट यूज होता है। प्राइस का आपको मैंने बता दिया कि प्राइस इसका हाई होता है, उसके जगह आप अपने नॉर्मल पाइप लगाए वो बढ़िया रहेगा। और भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के संबंधित या फिर खेती के संबंधित या मोटरों के संबंधित स्टार्टर या वगैरह और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा वीडियो बना दो जैसे मैं इस बाइक को मैंने बना कर दिए। और दोस्तों अगर हो सके कोशिश करता हूँ मैं जिस बाइक के लिए वीडियो बनाता हूँ उनके डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने कॉमेंट किया है उसी के अंदर लिंक भी डाल देता हूँ ताकि उन भाई को मदद मिल जाए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉमेंट भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।